सर सिक्योरिटी एजेंट ओडिशा को पाएंगे सर कोर्ट सर फॉलो करिया को पड़ी मैंने ओडिशा अच्छा पार्ट रहेगा भाई इंटरनेट ही आओ किसी नहीं ओडिशा पाई तमें तमें कौन कौन चैलेंजेस अच्छी ओडिशा पाई हमें डिस्कस करिबा क्लास रे एंड तापर कौन कौन सिक्योरिटी एजेंसी अच्छी तो पहला देखिए हमारा कौन कौन इंटरनेट चैलेंजेस अच्छी ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड में क्राइम अच्छी नक्सलवाद रह अच्छी और कौन अच्छी एक्सट्रीमिज्म नक्सलिज्म आओ सर ड्रग मैन ड्रग ट्रैफिकिंग होची ह्यूमन ट्रैफिकिंग होची ओके ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग ट्रैफिकिंग होची आउ कौन कौन सर होची अभी चाइल्ड कोटिया ट्रैफिकिंग केस टाको भी कौन सर इंक्लूडेड ही पड़ी कि कहला कोटिया जो आंध्र प्रदेश इंती इंटरनल ये रहुची ओके कैटल स्मगलिंग होची मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग हनी ट्रैप मनी लॉन्ड्रिंग ओके हनी ट्रैप ओके तो तापाई आमर कौन कौन सिक्योरिटी एजेंसी कौन अच्छी केतटा माने रैंडमली ए परीक्षा जदी पड़ीबो ए भले क्वेश्चन कौन कौन सिक्योरिटी एजेंसी तमरा अच्छी हमरा इंडिया रे हो कि ओडिसा रे हो इंडिया रे कौन कौन सिक्योरिटी एजेंसी अच्छी एनआईए अच्छी आउ आईबी अच्छी इंटेलिजेंस ब्यूरो अच्छी आउ रॉ अच्छी आउ कौन हां नेटग्रिड अच्छी एनएचसी ओके गोटे अच्छी आउ एनटीआर अच्छी आउ ईडी अच्छी ईडी भी हबो हाँ सीआरपीएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तमे जहाँ भी चाहे जो कही पार गोटे गोटे एग्जाम्पल दबा जमीन की कौन कौन चैलेंजेस रोचे नक्सलिज्म रा चैलेंज रोचे तो तापे हमारा पर्टिकुलरली जमीन की हमें कहिबा एग्जाम्पल तमे दंतेवाड़ा रा एग्जाम्पल दे पार जो हेतला हमर सिक्योरिटी फोर्स तो तापे जमीन की हमारा कौन कौन हमर सिक्योरिटी फोर्स यूज कराउचे ऑपरेशन ग्रे हंट गोटे अच्छी ओके तो सिमिलरली तमे केते गुड़ाक नाम मन रखी था कौन कौन चैलेंजेस नक्सलिज्म आम एक्सट्रीमिज्म है ड्रग ट्रैफिकिंग है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तापरे होची साइबर क्राइम होची जितकी पाई तापाई को को एजेंसी अच्छी गोटे गोटे एग्जाम्पल लिख ओडिशा रे तमे कौन कौन कही पारिबो एमती एजेंसी अच्छी ओडिशा ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स आउ सीआईडीसीबी एसओजी अच्छी आउ कौन अच्छी सीआईडीसीबी सर हाँ कही पारिबो तो सेटा तमे तो सिमिलरली सर डिबेट होती बीएसएफ पैक बॉर्डर है ओके सशस्त्र सीमा बल ओके आईटीबीपी एगुडा तुम कही पारिबो एसटीएफ पुलिस हाँ स्टेट पुलिस भी तुम कही पारिबो ओके तो एबे आउ गोटे न्यूज रे हाँ आसीबा एबे न्यूज रे सपोज तमरो क्लाइमेट चेंज ऊपर अछि क्लाइमेट चेंज रो एबे कॉप 28 हे छि रिसेंटली आई थिंक 5 10 डेज बैक हे छि हमरो ये दुबई रे छि तो तार आउटकम कोन क्लाइमेट चेंज रो ता ऊपर हमरा कोन कोन आउटकम तार तार भी हमरा कोन होछि ना प्रिपेयर करिवो कारण लेटेस्ट जो गुडा को करंट न्यूज रे अछि रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज तो सेटा हमरो डिस्कशन करिवो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मु काली एक्चुअली फ्यू जो ओपीएससी मेंबर का सहित भेट होता मोर एंड पर्सनाली से सहित किसी इंटरेक्शन होता जो एक्सपीरियंस मुझे कहि तो जड़े थे एक्स जो ओपीएससी चेयरमैन थे एंड फ्यू ओपीएससी मेंबर भी थे तो से एक्सपेक्टेशन कौन रखुच्छी तो मत गोटे एग्जाम्पल मैंने मुझे तुमको दौर यही गोटे क्वेश्चन तुम लास्ट इयर पढ़ी What are some of the recent legal pronouncement related to right of sexual minorities in India? এটা কা উপরে লেখা হবো? পিলা উপরে minorities উপরে লিখেছে। যে minorities হচ্ছে two type র, গোটে religious, গোটে linguistic, এমনি তোমার minorities উপরে লিখেছে। পিলা দেখুন question যে sexual minority দেয়ছি। পিলা ভাবুছেন যে minorities উপরে লিখিবার আছে, সেমানে কোন করছেন default লিখি আসছেন আর answer খাতারে আমি পঠিয়ে দেখিছি যে zero দিয়া আছে। আমার পিলা আনি কি দেখাই দিলে কথা। সেমানকু পুরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এতে তুমি কইবে যে মু ডিফল্ট লিখিছি মাইনরিটিজ উপরে লিখিছি বাট দ্য কোশ্চেন ইজ নট রিলেটেড টু মাইনরিটিজ ইট রিলেটেড টু সেক্সুয়াল মাইনরিটি এলজিবিটি উপরে লিখিবার আছে তুমি যদি কোশ্চেন ঠিক রে অ্যাড্রেস ন করুছ পুরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জিরো রহুছন্তি আউ সেইটা বি মানে জাস্ট আমি কইল যে গোটে কোশ্চেনটা প্রথমে বুঝিবা দরকার আউ তাকু প্রপারলি
तमें बहुत गुड़े पॉइंट न लिख सर 10 मार्क दि जाऊँगी तमें 6-7 पॉइंट लिख क्वालिटी पॉइंट लिख बहुत गुड़े पॉइंट भेक पॉइंट पिला कौन क्वेश्चन अटेंड करने चक्कर बहुत गुड़े भेक पॉइंट दौर म्यूट कर प्लीज तुम ऑनलाइन जॉइन कर अनम्यूट अच्छे म्यूट कर अनुसया म्यूट करो ओके तो सही कथा से माने कहउछन जे हमें एक्सपेक्ट करूजु जे आंसर ता जतळ आसुचि पिला माने से मान जहा एग्जामिनर कहिबा कथा जे आंसर गोटे दिया जायछि क्वेश्चन पिला लेखुछन गोटे आउ तमे जतळ कहिबो जे मु लेखिछि ऑलरेडी रिलीजियस माइनॉरिटीज उपरे तो आंसर इज 0 तमकु एलजीबीटी उपरे लेखिबार अछि तमर आउ गोटे क्वेश्चन पडिथिला लास्ट टाइम न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी गोटे पेपर टू रे पड़ी न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी तमरो न्यूक्लियर पॉलिसी लिखा हो ना न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी लिखा हो बहुत पिला लिखी न्यूक्लियर पॉलिसी नो फास्ट यूज आमर होची आमे माने आमे कहिबा जे न्यूक्लियर वेपन यूज करिबा नॉन न्यूक्लियर स्टेट उपरे आमे बायोलॉजिकल एमिति लिखी पूरा टोटल तो जोटा कि पिला को भी 2-3, 1-2 मिली माने कहले एत कष्ट पिला लिखी तो आटलिस्ट एग्जामिनर भावुच्छ कौन कर 1-2 देस तो तमें कहे कौन पाई मत 1 मार्क दिगला कारण से न्यूक्लियर एनर्जी लिखा है न्यूक्लियर पॉलिसी लिखाई ना भाविले कि न्यूक्लियर पॉलिसी तो एनर्जी तो मझे बोलते भूल पशि आसी तो से पिला लिखिं तो से मर एक्सपेक्टेसन जे प्रथम मुझे इंटराक्शन करी कल तो तमें जहाँ लिखुच टू द पॉइंट लिख आ बहुत गुड़े जोड़ा कि आंसर रिलेटेड नुहे आम लिखुच आउ से माने पर्टिकुलरली एबे खाता तमरो पर्टिकुलरली चेक होउछि लाइन बाय लाइन देखाउछि जदि केते जणकर देखाय दिबो तमरो इवन इफ से माने मार्क करूछन दिबे दिस इज नॉट कमेंट भी दउछन सेथिरे जे दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन ओके तो सेही लेवल लो क्वेश्चन माने पेपर एबे एवलुएशन होउछि माने तमे एम्ति ब्लैंक लगे कि जे मु किछि भी लेखि देले हेइ जिवो सेमिति आ हो तो क्वेश्चन जहाँ लिखा है तमें से रिलेटेड नुह स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 दूस ओके तो लास्ट टाइम भी तुम जो मैंने खाता मुझे जन देखु तो मानने स्टाटिस्टिक्स जदि आंसर बाहर तो 20-20 जदि आंसर बाहर पूरा 0 तेणु से भाया ए वर्ष जहा हूँ तुम स्टाटिस्टिक्स ना से रिक्स मानने जो मो मत पे स्टाटिस्टिक्स करने चक्कर 20-30 मार्क 40 मार्क एपटू छाड़ी देते तो सहीटा तुम जदि आटलिस्ट किसी भी रिलेटेड लिखुच तुमको मिलू से कहते तुमको रिलेटेड जिनस लिख पूरा टोटल भेग पॉइंट लिखनी आखिरा चक्कर गोटे गोटे मानने क्वेश्चन मुझे देखी जन जन 20 मार्क क्वेश्चन 5 पेज लिखा आईटे 10 मार्क दिखाई गोटे गोटे आम 1.5 पेज लिखाई से 12 मार्क दिखाई तुम्हें डज नॉट मीन कि मुझे बहुत गुड़े लिखीदे मत 5 पेज लिखीदे मत मार्क जो अधिक मिल जाइटा नुहे आई से 5 पेज चक्कर तुम्हें अलग क्वेश्चन गुड़ाक कौन कर कंप्रमज कर लास्ट आड़ हैंड रईट खराब जोटा कि पढ़ी हो तुम बहुत गुड़े क्वेश्चन जदि पढ़ी न हम से मैंने रैंडमली आखि बुझे मार्क जो 10 अच्छी 2-3 मार्क दौ जदि पढ़ी न हो तुम कौन पढ़ी हूँ कौन पॉइंट पाखे पहुँचला 5 मार्क दौ गोटे पिलार जदि खाली से मैंने अंदाज करमी ना कि तुमको ब्लाइंडली से भावुं पिलाटा यहाँ लिखी थी गोटे दीटा वार्ड रू से गेस कर मार्क दि जाए तेणु मो कह कथा हो तुम्हें जो आंसर टा लिखुच फास्ट कौन कर ना क्वेश्चन टाक भलसे बुझ कौन दि जाए 5टा पॉइंट लिख आज 5टा पॉइंट जो बेस्ट पॉइंट होता है 5 मार्क तुमको डेफिनेटली मिल 5टा पॉइंट तुम लिख तुम्हें भेक पॉइंट गोटे दीटा लिख कि फास्ट रू गोटे दीटा भेक पॉइंट लिखले से माने आउ पर क्वेश्चन जो से माने कहते पिला ढाबा बढ़ोचे तो से 5 मिलवा कथा 2-3 से तेणु प्रथम जो जोड़ा तुम आंसर रोचे धर 5टा पॉइंट तुम अच्छी कौ पॉइंट मोर रिलेटेड टू द क्वेश्चन से तुम निहाती रहा दरकार तेणु से जो जिनसा तुम जो आसिक अफलाइन लिखुच से तुम बेनिफिट जे मु प्रॉब्लम मोर कौटी रोचे गुड़ाए मुझे देखुचे आंसर जोड़ा कि बिल्कुल रिलेटेड नुहे कि लिखुचे तो सो दैट कि मोर नंबर काउंट बढ़िया गुड कि तुम कम्प्लीट करने पेपर टा लिखुच किंतु एबेर जो
लेबल ले क्वेश्चन चेक होची दे आर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द आंसर सेटा चेक होची जदी ठीक अछि जदी से क्वालिटी ऑफ तमे एबिठू कोन करो ना जो सिलेबस रे जहां अछि ऑलरेडी हमें लाइन बाय लाइन कवर करीचे सब लाइन रो जहां भी हमें क्वेश्चन करीचे तार रिलेटेड सबटू बेस्ट वे होची तमे निजे मॉडल आंसर फॉर्म देची क्लास रे गोटे तर सुनी की यदि सेती के क्वेश्चन करी देलो मु तमु गारंटेड दोची जे डेफिनेटली माने मु जति की कन्वर्सेशन नु सुनीली जे से माने डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द आंसर नॉट द आंसर ओनली से माने पढू छन आ तांको पाखरे प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन दिया जाय छी जे ए ए पॉइंट थिले तांको गोटे मार्क प्रॉपर मार्क दिया छी तेनु सेही अनुसारे तमे जदि एबेठू देख जे आगुरु हमर कोन जहां मन ताहा लिखि दोथिले जे हमर भी थिला जे किछि न आसले गोटे लिखि दियो तो लिखी देले मैं भी तुमको गोटे मार्क की डेढ़ मार्क मिली जीवा बट नॉट तुमको सही लेवल जो 500 एमिति मिली बन मु केते जनकर पिला देखली जे हे मानकर आंसर लिखाई छी हमरो मिनरल रिसोर्स ऊपर ऑफ इंडिया पडिथिला गोटे क्वेश्चन मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया आई थिंक एइतिरे पडिथिला बथे मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया से जे आंसर डा लिखि छन से केवल ओडिसा रे जिंस लिखि दे छे जे ओडिसा रे हमर केंदुझर मयूरभंज एउडा को हमर राउरकेला स्टील प्लांट अछि जिंदाल स्टील प्लांट अछि एति के लिखि छन तांको जमा डेढ़ मार्क दे छन तेनु तम हेबे जे हां त इंडिया भीतर त ओडिसा आसु छि काहे के आ सेति में डेढ़ मार्क मिले छि ओके त तमको अलग स्टेट रे भी लिखिवार थिला झारखंड रो छत्तीसगढ़ रो कि तमे कर्नाटक रो ए सब रीजन रे लिखिवार थिला तो सही जोड़ा से माने चाहौछन जे क्वेश्चन कोन पचरा जाय छी तमे कोन आंसर दे छौ आन जो आंसर उडा को देइ छौ ता भीतर केते परसेंट माने वेग आंसर अछि और केते परसेंट क्वालिटी आंसर अछि सेईडा से माने देखु छन आउ इवन इफ ऑप्शनल ले बहुत पिलांगर मु देखु दिली होम साइंस रे गोटा करे देइ छन जे 30 रु 24 आउ उडा करे 30 रु 3 से लिखि छन भल से तीन चार पेज लिखी चंदी किंतु तमर हो जे से आंसर जोड़ा लिखी चंदी चार पेज दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन कारण जेतेले तुमको ऑप्शनल जेतेले जे खाता चेक करू छी ही हैज द स्पेशलाइजेशन इन दैट सब्जेक्ट तमे भाबियो त मते आसुनी लिखि दबो लिखिबो किंतु तमे एक्सपेक्ट करिवनी जे मार्क तुमको मिलियो बोले से तीन मार्क लिटरली आगुरु एमिति भाबु नथिबे कि हां 10 12 मार्क त मिलि जइबो हम त किछ त गोटे रिलेटेड लिखि दे छी सेमिति होउनी तेणु ए वर्ष मु माने जेतिके फील कली तो जार क्वालिटी कंटेंट थिबो रियली जे जानि छी क्वेश्चन टाकू आ प्रॉपर स्ट्रक्चर रे लिखु छी एंड हैंडराइटिंग भलो थिबो आ पढ़ी होथिबो से मानंकर पॉजिटिव साइड से मानु रहै तमे जदि लेखुनो एंड तमे वेग आंसर लिखु छ गेस करी की रिलेटेड पॉइंट हो ताहले तमे बिलो एवरेज मार्क पाइबो सेइडा से माने तांकर इंस्ट्रक्शन अनुसार मु तुम को कहू जे गोटे पिला को से माने एक्सेस कर क्वालिटी ऑफ आंसर आउ वेग आंसर के लिखु क्वालिटी से पांचटा लिखि थो किंतु पांचटा पॉइंट क्वालिटी आंसर लिखि तेणु तमर जो गुड़ा क्वालिटी आंसर रहिबो पॉइंट रहिबो दैट शुड बी टॉप 3-4 भीतर रहिबो तमर क्वालिटी दि तीनटा आंसर जदि पॉइंट जदि तमे 7 नंबर 8 नंबर रखि छ सेटा को काउंट को नबेनि कारण प्रथम तीनटा से जज कर देबे पिला फोपाड़ी छी ना माने माने रियल आंसर लिखि छी तेणु तमर जो बेस्ट दीटा पॉइंट थो से दीटा पॉइंट को तुम आग रख फोपाड़ मानते जो जेनेलाइज स्टेटमेंट से तल को रख कारण बहुत गुडे मुझे गोटे आंसर पढ़िली जोटा कि जनकर दि जाए वन मार्क दिखाई कि आम भाई डिजर्व करुच्ची मार्क चार मार्क डिजर्व कर सब पॉइंट अच्छी कि तार तल आड़क अच्छी मानते 7 नंबर 8 नंबर पॉइंट रे फास्ट रू तीन चार पॉइंट जोटा कि जेनेलाइज स्टेटमेंट अच्छी तो से दुई मार्क दिखाई जोटी से डिजर्व कर सब पॉइंट रही आउ जन खाता देखिए 6 मार्क कितनी पॉइंट दुई मार्क दिखाई कारण वेग आंसर फास्ट रू रही है तेणु तुम जो आंसर लिख तुम फास्ट रू जो गुड़ाक तुम भाव युड़ाक मोर टॉप पॉइंट आग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट खाता निहाती पढ़ी होता दरकार आउ पिला लास्ट को लिखा चक्कर से माने कौन लिखुं जना नहीं माने सही स्पीड टा माने माने जो ग्राफ टा फास्ट टू दी पेज रो तमरो आंसर और लास्ट दी पेज रो आंसर देखले लागन के सेम पर्सन लिखि जे ओके कारण सही स्पीड रे तेनु सेति पई मु कहू छी जे
आंसर राइटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट तमे जदि सेई कंट्रोल रे थिबो जे मु सबुडा को इक्वल टाइम देके जेबी जे मोर जरा 200 मार्क रहउची 2 घंटा देबी 100 मार्क मोर घंटा देबी तो दैट शुड बी द प्लान कि धर मोर पडुची 150 मार्क मु धर तमे 1:45 मिनिट्स दउचो एंड आकु सपोज समय पाखा पाखी 1:45 मिनिट्स दउचो तो कि 1 आवर दउचो तांकु 2 आवर सपोज दउचो तो एमिति तमे प्लान करिक रहिबो एंड सेइथिरे तमर भाबिबो जे मु ए जो 20 मार्क रहिला कि 15 मार्क रहिला 10टा तो मते सपोज 1.5 घंटा कि हमर 120 मिनिट रे लिखिवार अछि तमे भाबो जे गोटे क्वेश्चन को हार्डली तमको 10 रु 12 मिनिट लागुछ त तार भीतर लिखिबो आउ कंट्रोल रहेनी माने जो माने बिल्कुल लेखि न थांदी से माने चारि फाळे लिखुछन तो से माने माने कोन करुछन ना सेंटेंस पूरा गोटे गोटे पैराग्राफ लिखुछन माने सब पॉइंट पॉइंट रो 10टा 12टा पॉइंट हेला बड़ को 10टा 12टा पैराग्राफ हेला बड़ को चारि पेज को पढ़ो गोटे लागिबो केडा 40 मार्क रा क्वेश्चन भले आ तमरे ही लॉस कारण तमे ताकु लेखिबा चक्कर रे लास्ट को ना तम हैंडराइटिंग संगे कंप्रोमाइज करबो तम क्वालिटी संगे कंप्रोमाइज करबो इवन इफ तमर क्वेश्चन संगे भी कंप्रोमाइज करबो जदि टाइम नै छाड़ी दउछ जोटा कि वेरी वेरी रिस्की वेरी वेरी रिस्की आ सब मु माने से माने कहउछन जे मामे मार्क कहउथिरे दबो तम जदि 60 मार्क छाड़ी दबो 60 मार्क तो गला तमर कि 70 मार्क तो 230 रु जानु को जदि भलो लेखि छि ताको एवरेज मार्क भी जदि मु कहि 10 रु 5 से थ्रू तो से तो 115 डिजर्व करछ 115 डिजर्व करछ से आ तमे कहिबो जे मु 150 60 डिजर्व करूछि हबन कारण तमे जदि एक्सीलेंट लेखि छ मे बी तमे एवरेज रो से माने गोटे लेवल सपोज 20% हाई तमे भाबियो जे जोडा 10 मार्क मु 6 7 मिलिबो एवरेज नाल तो 5 आ जदि तमे फोपाडी छ 3 2 एमिति हि दउछ दैट इज द फैक्ट तो सेहि पई आमे एबिट जोडा लेख कारण जोडा वीएसटी हबो फास्ट जोडा का आमे कवर करले एवरीथिंग तमर सिलेबस कवर करसे हम स्टेटमेंट उठे कि सिलेबस डायरेक्ट सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ ओडिसा कोन कि हमर मनी लॉन्ड्रिंग ता पई कोन पॉलिसी पूरा सिलेबस कवर हेछि सिलेबस वाइज आमे जो डिस्कशन करिया मॉडल आंसर ताकु भाबी कि 10टा पॉइंट तमे रखो एंड क्वालिटी आंसर लिखो एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखो हैंडराइटिंग भलो रहिबा दरकार आ सेहि भाबिया को ना टाइम अछि सेठी तुमको जो टाइम सहित जो तुम आगु अधिक अधिक लिख लास्ट आड़ कंप्रोमाइज कर सब प्रोब्लेम हम तेणु जी लिखी थी से मैंने ही बेटर पॉजिटिव साइड रे जेहेतु तुम मैंने लिखुच मो मत तुम मान तो भल बहुत गुडे भल आंसर आम देखु मानने क्वालिटी आंसर आम कह के गुडे मानते धीरे धीरे आम मानने से मी इम्प्रुवमेंट हो बहुत गुडे मानने आंसर आम देखु इम्प्रुवमेंट हो डेफिनेटली से कथा कहवा 60-70 दिन जो अच्छी जस्ट डोंट रन आफ्टर सो मेनी थिंग्स जी तुम पाखे अच्छी परफेक्ट कर सिलेबस से तुम धर जो एक्सट्रीमिज्म पढ़ुची गोटे पेज लेखिक रख से भितर एवरीथिंग थी तुम्हें 10टा एक्सट्रीमिज्म क्वेश्चन लेखा अपेक्षा गोटे क्वेश्चन लेख आ गोटे क्वेश्चन टाइम परफेक्ट लेखिक रखी था मुझे फाइनाल एग्जाम से लिखी तो 30टा मॉक टेस्ट जी इम्पोर्टेंस नुहे गोटे मॉक से क्वेश्चन इम्पोर्टेंस कारण सिलेबस एक्सट्रीमिज्म लिखाई तो ताऊपर जब पढ़ला मोर कौन 10टा पॉइंट रहा एंड दैट शुड बी पूरा यूनिक आंसर हो मोर हैंडराइटिंग ठीक थी आउ प्रॉपर स्ट्रक्चर तो ए तुम्हें सिलेबस देख से रिलेटेड कौन क्वेश्चन पढ़ी देख आकु लगे कि गोटे क्वेश्चन गोटे क्वालिटी आंसर लिखिक रख आउ मिनिमम 6-7 थर पढ़ खाली खाली लेखिक रखिले हेनी पढ़ा दरकार आदर मुझा 7-8 मिनिट भितर लिखि पार्टी ना ना गोटे प्रपर हैंड रईटिंग दैट सुड बी योर स्ट्राटेजी रही आज सिंपल आज दैट जब तुम मानने क्वालिटी अच्छी टाइम से लिखि पार्च एंड तुम प्रपर स्ट्रक्चर हैंड रईटिंग नो वन कैन बी टू सेटा ही से एक्सपेक्ट करें जस्ट मुझे पचार सर पिला इंटरव्यू में क्या सौ मार्क दिया जा क्या 110 दिखाई क्या 170 दि जाऊे कह कैन नट जज ए पीपुल योर स्टूडेंट विदिन 10 मिनिट्स आम देखुचे पिला प्रेसर हैंडलिंग वेदर हि इज एबुल टू एक्सप्रेस हिज व्यू पिला जा बिलकुल सपोज कहूना नर्भस हो जाऊँच झाड़ नाल हो जाऊँच सपोज तो से देखु देखिए जिते पिला भी भल
माने माने इंटरव्यू रे मार्क रखी कॉन्फिडेंस लेवल आम भी देखी जन इंटरव्यू तुम देख जो मैंने 150 अबव से इंटरव्यू यही भल मार्क दिखाई नॉट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज नॉलेज तुम चेक कर 10 मिनट बिकॉज ऑफ देयर वे ऑफ प्रेजेंटेशन आउ कॉन्फिडेंस से केमिति हैंडल करुची सिचुएशन टाकू सिचुएशन बेस भी पचरा जाउची एंड तुमर केमिति से आंसर कॉन्फिडेंस दौर दि तीन टा क्वेश्चन भूल कला परे तार को लेवल रा कॉन्फिडेंस डाउन हो इंटेंशनली पचरा जाउची तुम क्वेश्चन जे तुमको न आसिया पई ता पर तुमर रिएक्शन को तुम प्रेशर हैंडलिंग करि परछो न तो से माने सेइडा ही देखु छन जे पर्सनालिटीज तुमर केमिति अछि यू आर एबल टू हैंडल द प्रेशर और यू आर एबल टू गोटे दीटा फेल्युअर पर तुम केमिति सिचुएशन हैंडल करछ और आंसर दे पारु न पिला डरी जाउछन नर्वसनेस रहउछन तो सेइटा को देखि से माने कहते कि जे आमे भी 10 मिनिट रे डिफिकल्ट गोटे पिला को मे भी भेरी नॉलेज से एक्सप्रेस कर तो सेइटा को देखी कि तेणु एया जे तुम आम जमी कहले पिला लास्ट टाइम रखी 100 मार्क कि टॉप 100 भितर अच्छे तुम आउ गोटे तो से गोटे लेबुल कर तुम जाइक अटेन कर 100 मार्क तेणु तुम भाव तुम रैंक टा तुम हाथ में अच्छे ओपीएससी डिसाइड कर तुम ओपीएससी क्वालिफाए कर तुम डिसाइड कर जे मोर ए वर्ष हम ना आउटा तुम हाथ में जीक अच्छी तुम्हें जब परिश्रम कर तुमको किए छड़े नहीं पार ओपीएससी नहीं ही पार कारण तुम मेन रेक मार्क नहीं आसी था जे ओपीएससी जीव जस्ट खाली अटेन कर तुम गोटे रैंक पक्का से लेवल प्रिपेरेसन दरकार आई मुझे तुम कंटेन्ट जार स्ट्रंग अच्छी स्ट्रक्चर अच्छी 100 क्वेश्चन लिखिया अपेक्षा गोटे क्वेश्चन लिख कि गोटे क्वेश्चन तुम जान नक्सलिज्म कि एक्सट्रीजिम लिखाई आउे मुझे 10-12 पॉइंट रखी जो परीक्षा मोर फाइनाल यहीटा ही आंसर आर जो गुडाक टेस्ट दौ दैट इज फर मु कह तुम टाइम मैनेजमेंट करा किए 5 लिखुला 8 लिखुची 10-12 से इम्पोर्टां सेटा भी इम्पोर्टां तुम मानने यहाँ हूँ पूरा गोटे गैम्बल भाया तुमको माने क्वालिटी भी रखिबार अच्छी टाइम भितर प्रॉपर स्ट्रक्चर भी लिखिबार अच्छी कारण ये बहुत पिला तुम कंपिटिशन जो हूँ आउ गोटे हूँ जे धर तुम गोटे टीचर पाखे पढ़ला सी ऑलरेडी 3 जन खाता पढ़ी जो मैंने कि हाई स्टैंडर्ड खाता मानने भल कंटेन्ट तुम जो तुम खाता जाऊँ तुम एवरेज लिखीच यू विल नॉट गिव यू मार्क तुमको आइदर से लेवल लिखिबार अच्छी ना ऊपर को लिखार अच्छे तुमको अधिक मार्क अदरवाइज से कंपेयर करदेव जो पिला अन्य मन तो भल लेखिन तो मुझे मार्क देती तार हाईएस्ट मार्क बार दे गोटे क्वेश्चन तुमको 10 दब अधिक दब तेणु बहुत गुडा फैक्टर रोचे आमको सब कुछ फाइट करके ओपीएससी तुम जदि भी तुम नर्भस आर थर बहुत पिला गोटे परीक्षा पर गिव अप मोड रही कि ना आवानी तो यहाँ तो गला आ किंतु से माने पिला अच्छा जो मैंने कि टॉप 10 रे आसी गोटे पेपर रे पूरा डिजास्टर हेला पर एडा हो जे तमे जाना नै तमे कोथरे उठै परबो तमरो ऑप्शनल रे पिला लास्ट माने लास्ट लास्ट ईयर उठै छन 210 215 उठै छन तो गोटे पेपर खराब हे गेले कोन हे गेले किछ फरक पडुने तेनु इवन इफ तमरो जदि किछ गोटे पेपर खराब होजि कि क्वेश्चन गोटे दिटा छाडू त भी नर्वस होबन तमरो सही क्वालिटी मेंटेन करबो लास्ट मोमेंट तो सेइडा एंड इंटरव्यू भी अच्छी फाइनाली तो सेइडा को देखिके आम करवा एंड तेणु यही वर्ष तुम्हें मुझे कहूँ जी तुम रादर दैन क्वांटिटी जो पचर दौड़ा अपेक्षा क्वालिटी पचर दौड़ कारण यही वर्ष ऑल टोटल तुमको 80 क्वेश्चन लिखिबार अच्छे जीएस 1, 2, 3, 4 जो 20 लिखे आम क्वेश्चन देखा पखापाखी 80 क्वेश्चन तुमको लिखा आउ से 80 क्वेश्चन तुम भाव जो 20 क्वेश्चन तुम लिख ला मानने सका 20 मानने आफ्टरनून भी 20 क्वेश्चन लिख तापरदिन 20 कारण एथर परीक्षा 6 कम्प्लीट हम सेमती जमी थी मसे पूरा चलूला से भाया ना तुम इंग्लीश ओडिया गोटे दिन एंड तुम जीएस 1, 2 गोटे दिन जीएस 3, 4 गोटे दिन एसए गोटे दिन ऑप्शनल गोटे दिन समस्त ऑप्शनल गोटे दिन कारण गोटे ही ऑप्शनल ना तो पार्सीआलीटी तुमको होम साइंस आज सोशियोलॉजी 5 दिन पर हिस्ट्री आउ 5 दिन पर तो पार्सीआलीटी तो एथर लेवल जो कर समस्त 6 दिन भितर परीक्षा सर तुम स्टार्ट हम तो 40 मिनिट सर जानते
ଆଉ ସେଇମାନେ ବାଜି ମାରିବେ ଯୋଉମାନେ କି ଆଗରୁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବେ, ତମକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ୟୋର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ରିଭିଜନ ପ୍ରିପେୟାର ନୋଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସୁଡ୍ ବି ରେଡି, ତମର ଏକ୍ଜାମର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେଡି ହେଇକି ରିଭିଜନ ହେଇକି ଥିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ରଖିବ। ତମେ ଭାବିବ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ପଢିବି, ସେ କଥା ଭୁଲିଯାଅ, ପଢିବା କଥା ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ଏ ବର୍ଷ ଭୁଲିଯାଅ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ ତମର ଏକ୍ଜାମ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ହିଁ ହଉଛି, ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ହିଁ ତମର ଏକ୍ଜାମ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ ହଉଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ଡେଟ୍ ଡିସାଇଡ ହେଇଯାଉଛି, ତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତମର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ନୋ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ହଉଛି। ତ ଯଦି ହାତ ଗଣତି ଦେଖିଦବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ 2 ମନ୍ଥ ରହିଲା, 60 ଡେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବ। ଆଜି ହେଲା 17 ତାରିଖ, ଆମେ ଧର ସେ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଧର, ତ 50-60 ଡେଜ୍ ରହିଲା। ଏବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଛରେ ରନ୍ କରନି, ଏବେ ଯେତିକି ଆମେ କଭର କରିଛେ ତାର ତମେ କଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିଥିଲ ଜାଣିଛ କଣ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଡିସ୍କସନରୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଏବେ କହିଲ। ଗୋଟେ ଧର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି, କେତେବେଳେ ଏଜେନ୍ସିର ନାଁ କହିଲ, ତମେ ଯଦି ଖୋଜିବ ବି ଏତିକି ପାଇବ। ତ ସେଇଟା ତମର ହଉଛି ଯେ ସେଇଟା ଯଦି ତମେ ବନେଇଦେଲ ପେପର, ଆମେ କହିଲେ ନା ଆମେ 20-20ଟା କେତେଟା 60ଟା 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପେପରର 50ଟା ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଆନ୍ସର ବନେଇକି ଦେଲ ଡନ୍, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ତ ଯୋଉଟା ଆସିବ ତମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ରିସାଇକେଲ କରିକି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲାବସ୍ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ 3ଟା ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସରିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବ ଆଜି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଉ ତମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଦେଖ, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କୌଣସି ଲାଇନ୍ ବି ଛଡ଼ାନି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ର ଆମେ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଦବା, ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଆଉ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ପଏଣ୍ଟ ତା ସେଇ ଲାଇନ୍ର 10ଟା 12ଟା ପଏଣ୍ଟ ତମର ରେଡିମେଡ୍ ରହିବା ଦରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଆନ୍ସର। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ତମର ଏଇଟା ଭାବ ଯେ ମୋର ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ 5 ଥର ତମେ ପଢିକି ରଖିବ, ସିଧା ଯିବ ଲେଖିକି ଆସିବ, ସେଇଟା ତମର ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ମନ ତାହା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବି, ହବନି। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ 0 ମାର୍କ ଦେଇଛୁ, 1 ବି ଦଉନାହାନ୍ତି, 0 ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ 0। ଧର ଆମର ମାଇନରିଟିଜ ଉପରେ ଜଣେ ଏତେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ଆମର ଶିଖ ଆମର ରହିଲେ ମୁସଲିମ ରହିଲେ ଇଏ ହେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛି ସେ ନେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, 0 ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତେଣୁ ତାପରେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ସୋ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଲାରାମ ଅଲରେଡି ବାଜି ସାରିଛି, ତେଣୁ 60 ଦିନ ରହିଲା ତମକୁ ଜିଜାନ ଲଗେଇକି ପଢ, ଆଉ ମୋର ଫୋକସ୍ କର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ରାଦର ଦାନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ। ମୁଁ 30ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 40ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଲେଖିଛି ବି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଆନ୍ସର ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ତମେ ମୋର ଫୋକସ୍ କରିକି ରଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍। ନେକ୍ସଟ ବୁଧବାର ହବ ନା, ବୁଧବାର ଅଛି।